वीवर सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, राम राम, जय माता दी। पंजाबी तुड़का तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तुहानूं असीं अज दस्सांगे मिक्सी विच पीस के इस दे किस तरह इस्तेमाल करी जांदी है। असीं मिक्सी च पा ली आ, हुण इस नूं पीस पीस ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ। ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜੋਤ ਪਾਵਾਂ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਰਤਨ ਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। गर्म तेल च पाते जल्दी देने रंग छड़ देता इसने। तुसीं इसकी बॉडी मसाज भी कर सकते हो, जिन्हें गठिया की प्रॉब्लम है वह भी इसकी मसाज कर। जे तुहाडे गोडे गिट्टे दुखते हैं उत्ते भी तुसीं मसाज कर सकते हो। इस थोड़ा कोसा कोसा तुसीं मसाज करोगे तो जल्दी आराम मिलेगा तुहानू। जिहड़ा डाबर लाल तेल बच्चों का मिलता है उस विच भी इसनू पाया जाता है तो बच्चों की मसाज उस नाल कीती जाए। तुसीं इस तरह अपने घर के बनाए हुए तेल ना मसाज करो बच्चों के। जिदा इसका पाउडर असी दाल सब्जी विच पाउणा, एक चुटकी लेना इन्नी क ते अपने दाल सब्जी विच तड़के च तुसी पा सकते हो। हफ्ते विच एक बारी जां दो बारी वरतना इसनू एक चुटकी। जिदा कईआं दे पेट विच स्वैलिंग हो जाती है वह भी इस नाल ठीक हो जाती है। कईआं नूं गठिए दी गोड्यां दी प्रॉब्लम हुंदी उह वी ठीक हो जांदी इसदी मसाज करन नाल। इसनूं खाण दे नाल आयुर्वेदी विच कई जड़ी बूटियां नूं उपयोग कीता जांदा है, उहनां विचों इक जड़ी बूटी रतन जोत है। रतन जोत दी जड़, फुल, पत्ते अते टाहणियां बहुत ही लाभदायक हन, इस लई इह कई बीमारियां विच लाभदायक हुंदी है। रतन जोत विच एंटी फिलामेंट, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट नाल भरपूर होंदी है। सेहत तो लैके स्वस्थ स्किन लई भी बहुत लाभदायक होंदी है। इस दे कई नुकसान भी होंदे हन। रतन जोत एंटी ऑक्सीजन गुणा नाल भरपूर होंदी, इस लई सेहत दे इम्यूनिटी नूं बढ़ाउंदी है, मजबूत करदी। इस तों इह सर्दी जुकाम बुखार तों भी बचाउंदी है, इन्हां बीमारियां दी चपेट तों आउण तों बचाउंदी है। इस दे पत्तियां नूं पीस के उसदा रस पीण नाल शरीर दीआं कई बीमारियां ठीक हो जांदियां हन। पत्तियां दा सेवन करन नाल खून साफ हो जांदा है ते शुगर अते कैंसर वर्गियां कई बीमारियां तों निजात दिलांदी। रतन जोत गुर्दे दी पत्थरी नूं गला के हौली हौली बाहर कढ दिंदी है। इस दा सेवन करन रतन जोत खाण नाल सानूं दिल दीआं कई बीमारियां तों निजात मिलदी है क्योंकि रतन जोत विच एंटी ऑक्सी गुण हुंदे हन। इह हार्ट नूं हैल्दी रखदी है ते हार्ट अटैक तों भी बचाउंदी है। दिल दी बीमारियां दा खतरा घट हो जांदा। रतन जोत गठिए लई भी लाभदायक है क्योंकि इस विच एंटी ऑक्सी एंटी फिलामेंट हुंदे हन। एंटी फिलामेंट गुणा भरपूर हुंदी है, इस लई सानूं गठिए दे रोगां तों भी बचाउंदी है। रतन जोत दे फुल पीस के दर्द ते लगाउण नाल ठीक हो जांदी है दर्द। रतन जोत इस्तेमाल करन नाल इस नाल स्किन दी प्रॉब्लम सब ठीक हो जांदी है। इस विच एंटी बैक्टीरियल गुणा नाल भरपूर हुंदी। इस दी पत्तियां नूं पीस के पिंपल ते लगा नाल ओह ठीक हो जांदियां हन। नारियल तेल दे विच लगा के लाओ तां जिन्हां दे दंद मसूड़े दर्द होण ओह इस दी दातन करन। रतन जोत ते मसूड़ियां दे उत्ते इस दे पत्ते मलण नाल ठीक हो जांदी है सूजन अते दर्द। इस लई इस विच एंटी फिलामेंट गुण हुंदे हन। जिहड़े लोकां नूं लीवर दी प्रॉब्लम हुंदी है ओह इसदा उपयोग ना कर। इन्हां नूं एलर्जी दी प्रॉब्लम हुंदी ओह भी इसदा उपयोग ना कर। उन्हां नूं इस दे उपयोग करन नाल स्किन दी प्रॉब्लम भी हो सकदी है। रतन जोत दे पत्ते आमले दे नाल मिक्स करके इस नूं बालां ते लगाउण नाल बाल शाइनिंग करदे हन। रतन जोत दे पत्तियां दा पैक बना के फेस ते लाउण नाल फेस साफ हो जांदा है। ये नारियल दे तेल विच पा के मैं इसलिए दस्या क्योंकि जदों मैं पंजवीं विच पढ़दी सी उस वक्त मेरे पटाकियां नाल हाथ सड़ गए सी दोनों। उस उत्ते मेरे मम्मी और दादी रोज़ लगांदे हुंदे सी हाथ। इस तेल नाल मेरा हाथ ठीक हो गया, ये मेरे हत्थां विच फर्क हैगा आ। मेरे दोनों हाथ सड़ गए सीगे, इसलिए
मैं ते लगाया तो मेरे हाथ ठीक हो गए। दूजा हाथ इन्ना नहीं सी सड़िया, वो थोड़ा ही सड़िया सी। 2 साल पहला मेरे ते चाह डुल गई सी हाथ बाँह ते, तो मेरी बाँह सारी सड़ गई सी। इस ते मैं रतन जोत लगाया तो ठीक हो गई, थोड़ा जहा निशान रह गया, बाकी सारी बाँह मेरी ठीक हो गई है। इस दा प्रयोग मेरे मम्मी हुणी बचपन तो ही ये करदे असीं देखदे आ रहे हैं। इस दे कई फायदे ते नुकसान भी हैं। थोड़े चिर पहला पानी उपर डुल गया सी, वह भी मेरा ना मेरे पानी डुलन नाल मेरे छाले पै गए से, तो उस उत्ते भी लगाया मैं, मेरे ठीक हो गए हैं। जो कई सट लग जाते हैं उसते भी तुसी ये तेल लगाओ तो सट ठीक हो जाती। मेरे पटाके ना उंगलियां इन्नी सड़ गई सी कि मेरे मांस लिथ गया, सारा हड्डियां नज़र आउंदियां सी मेरिया उंगलों दियाँ, इदा हो गया सी मेरे हाथ। जो मैं 5th क्लास च पढ़ती, इसनों बीपी वाले ना खान, जिन्होंने बीपी की प्रोग्राम हो, इसनों गर्भवती महिला भी ना खान, जो बच्चों स्तनपान कराउंदियां वह भी ना इसनों खान। बाकी मैं अपनी पहलियां 3 वीडियो विच दस चुकी हाँ, ये लास्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। रतन जोत नूं तुसी लाल मिर्ची की थां वरत सकते हो, खाण पीन भी सब्जी दालों में रंगत लियान इसनों वरत सकते हो। इस दे फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। कई मेंसिस की प्रॉब्लम होंगी है वह भी इस ना ठीक हो जाती है, जिदा कई बहुत ज़्यादा मेंसिस होंगी है उस न इसनों खाण नाल ठीक हो जाती है। मेंसिस कई मेंसिस 1.5 दिन पहलों आ जाते हैं, कई बाद च आते हैं, ये भी उसनों ठीक करती है मेंसिस प्रॉब्लम। कई 15 दिन रहते हैं इसलिए इसनों खाण नाल ठीक हो जाते हैं। मेंसिस की प्रॉब्लम 4 दिनों तो बाद नहीं होनी चाहिए, 5 दिनों तक तो डॉक्टर भी सुजैशन देंदे हैं ठीक रहिंदा। इन्हां नूं 15 दिन 20 दिन आउंदे आ वो ठीक नहीं हुंदे, उसनों अपनी चैकअप करानी चाहिए है डॉक्टर दे नाल। मेंसिस नूं पीरियड माहवारी भी कहिंदे, उसनों महीना भी बोल देंदे हैं। इसनों दाल सब्जी दे विच पाण नाल रंगत आउंदी है। रतन जोत नूं असी मेंसिस बारे भी दस्या, क्योंकि इसका अजमाया हुआ नुस्खा इसलिए मैं तुहाडे नाल शेयर किया, तुसी भी अगे शेयर करो। इसनों जिदा कई हाथ पैर सड़ जाते हैं उस दे उत्ते हल्के हल्के हाथों के नाल लाण नाल वो ठीक हो जाती है। रतन जोत का तेल और गरी गरी का तेल तो रतन जोत जो मार्केट चो नव रतन तेल मिलता है उस विच भी यही पाया जाता है रतन जोत। जिन्ना क मैनू पता सी मैं तुहाडे नाल शेयर किया, मेरी मम्मी ने मेरी दादी जी ने जो दस्या मैं तुहाडे नाल सारा कुछ शेयर किया। तुसीं इसनों वरतो, तुहानू भी पता लगेगा सानू केड़ी केड़ी बीमारियां तो निजात मिलती है। कई कॉन्सीविशन की प्रॉब्लम होंगी वह भी इस न ठीक हो जाती है। तुसीं भी ये नुस्खे अपनाओ तो इसनों वरतो। मैं इस दे नाल अपनी बेटी की मालिश भी करती हाँ इस तेल दे नाल। ओके बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण।